सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। हमारे आज वकीलों का जो धरना चल रहा है उसका 13वां दिन है आज, और 13वें दिन यहाँ पहुँचे हैं अपना समर्थन देने कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कंवर सिंह जी। तो चेयरमैन साहब, ये वकीलों का जो धरना चल रहा है, जो मांगे हैं, ये जायज़ मांगे हैं? जी बिल्कुल, 100% जायज़। और मैं इनकी मांग को देखते हुए अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ, और ऐसी मांग है जिसमें सरकार को कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा। एडीजी कोर्ट का मैटर है, इसमें सरकार पर कोई एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं है जिससे सरकार को कोई आर्थिक दृष्टि से कोई एक्स्ट्रा कोई करना पड़े। यहाँ रेजिडेंस की व्यवस्था ठीक है, हमारा व्यवस्था सारी ठीक है, और यहाँ मात्र 2 जज बैठते हैं। तो एडीजी कोर्ट की तो सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है आम लोगों के हित में, ये बहुत सबसे ज़रूरी है, और इस मांग को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। 13 दिन से जो वकील साहिबान बैठे हैं, इससे आम लोगों को बड़ी परेशानी है, और ये सरकार आम लोगों के हित के लिए जो काम कर रही है, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी पर। हम जो अधिवक्ताओं की जो मांग रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों पर ज़रूर विचार करेंगे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और जो मैंने अभी एडीजी कोर्ट वगैरह की जो बात की है, इसको तो तुरंत और मैं समय भी लूँगा मुख्यमंत्री जी से। सर, ऐसा है कि आज वकीलों के धरने को 13वां दिन है, तो जैसा कि आपके संज्ञान में है, तो कंवर सिंह जी यहाँ 13वें दिन आए, इसके लिए इतनी देरी के लिए समर्थन देने के लिए पार्टी से जुड़े हुए हो इसके लिए नहीं आए, या पहले आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे? सर, एक हफ्ता में बाहर रहा, और इससे पहले जो यहाँ से जनप्रतिनिधि भी हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है माननीय रामलाल जी शर्मा भी यहाँ आ चुके हैं, पार्टी के अनेक और भी पदाधिकारी यहाँ आए हैं, यानी लगातार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इन मांगों के लिए चिंतित है, और आज उसके बाद में मैं आया हूँ। ये तो क्रम जारी है, यदि हमें आगे और भी बात करेंगे, ये नहीं है कि मैं अकेला ही आया हूँ, इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस समर्थन देने के लिए आए हैं, और आज मैं आया हूँ। सर, ऐसा है कि वकीलों को जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, महेंद्रगढ़ के हित को ध्यान में रखते हुए, और जायज़ तरीका वकीलों ने अपनाया हुआ है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी टीम को और महेंद्रगढ़ की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि धरने पे अपना समर्थन दे सके वो लोग? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा, सबसे पहले तो सभी अधिवक्तागण हैं उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि 13 दिन तक इतना शांति प्रिय ढंग से बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी को असुविधा ना हो, अपनी मांगों को बड़े ही एक अच्छे तरीके से इन्होंने रखी है, और मांग सबके हित में है, इनके हित के साथ साथ आम जनता के भी हित में है, इसलिए मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो मांग है बहुत जायज़ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों को मान लें। सर, जैसा कि यहाँ अभी सुनने में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं सितंबर में, तो कंवर सिंह जी अपने क्षेत्र की और 12 एसोसिएशन महेंद्र की मांग को मनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेंगे? मुझे पूरा भरोसा है, और मैंने आश्वासन भी दिया है सभी बार को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, आपकी मांग को रखूँगा, और एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानेंगे और इस मांग को हम मनवाएंगे। सर, जहाँ तक आपकी पार्टी बीजेपी का सवाल है, वो इतिहास रचने में माहिर है जी, 370 का जहाँ तक इतने दिनों से मसला था वो वहाँ तक उनको सुलझा दिया, तो ये तो एडीजे कोर्ट है, एडीजे कोर्ट तो वो कभी भी यहाँ स्थापित करवा सकती है आपकी पार्टी जी। सर, धारा 370 बहुत पुराना मैटर है, ये 1952 से जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के समय जब नई संसद बनी उसमें उद्योग मंत्री थे, और उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐलान किया था कि एक अखंड भारत है, ये एक विशाल भारत है, और इस देश के अंदर 2 कानून 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे, और ये नारा देकर संसद के अंदर त्याग पत्र देकर और जम्मू कश्मीर की ओर कूच कर गए थे, और रास्ते में अंदर उनकी हत्या हुई। उस मिशन को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रहित में
भारतीय जनता पार्टी का ये चिंतन था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और हम नारा लगाते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर सारा का सारा हमारा है। उस मिशन को माननीय मोदी जी ने पूरा किया है, और मैं सभी पूरी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का इस काम के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जनहित के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक जो समस्या आम लोगों की है उन समस्याओं का निरंतर समाधान किया है, और ये जो समस्या है बाढ़ की इसका भी जरूर समाधान करेंगे। तो बार एसोसिएशन महेंद्र गढ़ा कंवर सिंह जी आपसे आशा करती है कि आप इस मांग को, जायज़ मांग को, महेंद्रगढ़ की जायज़ मांग है जो, उसको अच्छे से सरकार के समक्ष रख पाएंगे। पर सर आपका बहुत समर्थन बार को समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।